बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काश्तकारें बिरामे को आज असां कपाह की फसल लगा दसने के कपाह की फसल देते केरे कीड़े हमला करन ते उन्हें दा कंट्रोल क्या है। सब कने पहले तो दसने के इन वीडियो दे विच असां तो दसेसूं के कपाह की मतलब है जे कपाह दे उते कीड़े हमला करन उन्हें को कंट्रोल करन वास्ते असर कैमिकल की बजाय देसी दवाई के बारे तो दस दो कि देसी दवाई किमें बढ़ा करना तो उन्हें इनसैक्ट को कंट्रोल कर सकते वे क्यों जो कुछ अरसा पहले मतलब दो त्रे साल पहले जहरें का बेतहाशा इस्तेमाल थे जिनकी वजह से फिजा माहौल इंसान जानवर सब से मुतासर थे ते हुन अस कोशिश करें और काश्तकार का खर्चा भी ज़्यादा है जिनकी वजह से हुन कोशिश है कि भाई देसी दवाई पौधे कने दवाई बढ़ा कने असं उन्हें वाला फसल दे उते स्प्रे करो ताकि सारे नुकसान दे कीड़े कनों फसल महफूज रह वे। उन बस ये कि कपाह की फसल दे उते जिहड़े मेन कीड़े चंद अहम कीड़े जिहड़े हमला करांदे जिहदे विच सफेद मक्खी है सब्ज तेला है थ्रिप्स है गुलाबी सुंडी है इन्हें कीड़े का जिहड़े फसल ते हमला थींदे हमला थीवण दे बाद असं फसल की पेस्टी कोटिंग करनी है। पेस्टी कोटिंग का मतलब है कि कपाह की फसल दे विच उन्हें नुकसान दे कीड़े का अंदाजा करन कि भी केरे कीड़े कितनी मिकदार दे विच कितनी तादाद मौजूद हैं। उन्हें यह है कि जो सफेद मक्खी है तकरीबन पांच बालक या बच्चे फी पत्ता होवन चुस्त तेला एक फी पत्ता होवे थ्रिप्स अठ घंटा गुलाबी सुंडी का पांच फीसद हमला तो अपने फीड ली नज़र आवे तो यह स्प्रे की मुआशियात है। इन्हें वास्ते जरा देसी कंट्रोल है वो ये है कि असा कुड़तम्मा या बड़ुम्बा जो अपनी सरेगी जबान याद से उन 600 ग्राम टुकड़े कप कने उक रात को 5 लीटर पानी दे पुसा रखूँ सवेरे टाइम को एक घंटे वास्ते उबाल कने छान कने उको अपने को रख दूँ 100 लीटर पानी दे स्प्रे करूँ इंशाल्लाह इन्हें नुकसान दे कीड़े देता मुअसर और बेहतरीन कंट्रोल है। अगर कुड़तम्मा कहनी तमाखू है या नीम के पत्रे हैं ये भी 600 ग्राम होन इन्हें को भी 5 लीटर पानी दे विच रात को पुसा रखूँ सवेरे एक घंटा उबाल करें भला इन्हें को जरा ना छान करें 100 लीटर पानी विच स्प्रे करूँ। अगर सारे कीड़े कंट्रोल करें बाहर थी वन तो आखिरी हर सारा कैमिकल कंट्रोल होवे उन्हें विच कैमिकल कंट्रोल दे विच सफेद मक्खी वास्ते पहली प्रैक्सीवन 500 ml असां करांदे से उन्हें बाद स्पेरोटेट्रामेट तकरीबन 125 ml फलोनिकामेट तकरीबन 60-80 ग्राम करांदे से बुप्रोफिजन 600 ग्राम तकरीबन पर एकड़ स्प्रे करांदे से उन्हें बाद गुलाबी सुंडी वास्ते बाइफेंद्रीन 250 ml कारगिन दे फी एकड़ ते उन्हें बाद स्पेंटोराम तकरीबन 80 ml फी एकड़ स्प्रे करांदे से। हुण ये कि स्प्रे का जरा तरीकाकार है स्प्रे का अक्सर काश्तकारों का शिकवा होंगे कि स्प्रे का रिजल्ट सही नहीं आया रिजल्ट सही ना आने की वजह सारा तरीका है का मतलब है स्प्रे है कि स्प्रे का तरीका क्या है। उन्हें वास्ते सब कने पहले स्प्रे मशीन को धोने स्प्रे मशीन को धोवन के बाद दूजे नंबर स्प्रे हवा के मुखालिफ सिमती नहीं करनी उन्हें बाद स्प्रे ठंडे टाइम करने या फजर के टाइम या शाम के टाइम क्योंकि दी को गर्मी की शिद्दत होती है कीड़ा जमीन के इधे उधे छुप वेंदे ते फसल के टाइम सवेरे के टाइम शाम के टाइम फसल के उत्ते एक्टिव होंगे जेरे वेले स्प्रे करने से कीड़ा उन्हें पौधे की रस चुसेंदे वो उन्हें मैदे को डिस्टर्ब करेंदी उनकी डेथ थी वेंदी है तो इन वास्ते आते हैं कि स्प्रे सवेरे या शाम के टाइम करो। उन्होंने स्प्रे के वास्ते कीड़े के जड़े बूटे वास्ते जेरी नौजा लेना उन्हें खास ख्याल किया वे कि भाई जेरे जिने बूटे वास्ते मतलब है फ्लैट फैन न्यूजल अस इस्तेमाल करें से वो इस्तेमाल करो उन्हें बस स्प्रे करण को पहले टैंकी को साफ करके धोता वे उन्हें बाद स्प्रे करण वेले बोम स्प्रे या आम स्प्रे जेरे भी तकरीबन फुट सवा फुट के फासले ते तकरीबन फुट या सवा फुट डेढ़ फुट तक मतलब है पौधे कने उची हो इंशाल्लाह इको इस्तेमाल करे सो देसी तरीका वाला तो दसेंदे हैं कि तकरीबन
ਬੜੁੰਬਾ ਜਾਂ ਕੁੜਤਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਦਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਟਰ 'ਚ ਪੁਸਾ ਰੱਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੋ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਬਾਲ ਕਰੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋ ਛਾਣ ਕਰੇ ਉਹਦਾ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।